हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस की। रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस क्या थी, इसके पीछे लॉजिक था, वो लॉजिक कहाँ से आया आपको मैं डेप्थ बताना चाहता हूँ। सबसे मैंने पहले आपको पढ़ाया फिलिप्स कर्व, जिसने हमने देखा कि इस रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म की बात किया था फ्रेंड हमने, और वहाँ पर आपको बताया था कि जब मार्केट में प्राइस इन्फ्लेशन होगा तो वेज रेट भी बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगा। लेकिन इसी चीज़ को दूसरी थ्योरी आती है जिसे एडॉप्टिव हाइपोथेसिस थ्योरी है, उसने दिखाया कि अगर हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और एक्चुअल इन्फ्लेशन को सेम मानेंगे तो लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व जो है वर्टिकल हो जाता है, यानी कि देयर इज नो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इस थ्योरी में एक लेटेस्ट वर्जन है जिसे हम बोलेंगे कि कई लोगों के बाद एक नया आइडिया आता है, तो इस थ्योरी को उसी वे में प्रूव किया गया कि लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व वर्टिकल होता है। वो वर्टिकल क्यों होता है, इसके पीछे दो थ्योरी थी, एक एडॉप्टिव और ये है रेशनल। तो एडॉप्टिव का कंक्लूजन आपको पता है, वो शॉर्ट रन को लेकर के बहता है और ये लॉन्ग रन की बात करता है। अब साथ के साथ चलिए आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि जो फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन की बात करेंगे, हम यहाँ पर रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस की बात करेंगे। लेकिन इसके पहले जो ब्रीफ नॉलेज आपको बता चुका हूँ, जस्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी है फ्रेंड्स, ये न्यू क्लासिकल्स मैक्रोइकोनॉमिक्स थ्योरी है। क्लासिकल के बाद ही न्यू क्लासिकल आए हैं, पता है आपको। और ये फ्रीडमैन जिसने कहा था कि एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस, जिसमें उसने बताया था कि नॉमिनल वेज जो होगा वो लैग्स हो जाएगा, नॉमिनल वेज लैग में चेंज प्राइस लेवल जब मार्केट में, कहने का मतलब उसका था है फ्रेंड कि उसने ये बताया कि, अब दोबारा समझाते हैं आपको, मान के चलो ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, ओके। तो ये कहता है कि ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व था, तो ये कहता है कि यहाँ पर तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ओके। लेकिन अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाती है, मान चलो 5% ही, वो कहता है अगर 6-7% इन्फ्लेशन हो गई तो क्या होगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, यानी कम हो जाएगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा। और बाद में क्या होगा, जब प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर से आप यही पॉइंट पर पहुँच जाएंगे, तो न्यू शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व होगा। तो यानी कि इस वे की बात करता है वो, ऐसे चलता है, वो कहता है कि एडजस्ट करता है टाइम टू टाइम और फिर से लॉन्ग रन आ जाता है। लेकिन इस थ्योरी को हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि अगर देखना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना। एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी ये प्रूव करता है कि लॉन्ग रन में ये वर्टिकल हो जाता है, लेकिन इसी को क्लासिकल वालों ने दूसरे तरीके से प्रूव किया है फ्रेंड्स। देखो वो बोलता है कि रेशनल, बोला कि इसका रीजन ये नहीं है, इसका रीजन कुछ और है, तो वो बोलता है कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब ये जो है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी की बात करता है फ्रेंड। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी आपको बता चुका था, इसमें होता है कि जॉब फाइंडिंग, जॉब सर्चिंग, ठीक है। तो फिर आपको ये भी बताया था कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यू होता है कि जिसके इर्द गिर्द जो है अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रहती है। कहने का मतलब है फ्रेंड कि मार्केट में अगर अनएम्प्लॉयमेंट्स अप ऑन डाउन हो रही है, ठीक है, लेकिन जो ये एक्चुअल लेवल है, मान के चलो ये, इसे हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। मैं साथ के साथ ब्रीफ नॉलेज देता जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्वल हो रहा है, तो यही चीज़ बताता है कि अगर इधर आ जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, लेकिन हमारा लेवल क्या है, ये है। तो ये बोलता कि ये तो एडजस्ट करता है, अप डाउन होगा एडजस्ट करेगा, लेकिन जब नॉर्मली मिलाएंगे तो नॉर्मल होगा। ये थ्योरी आई थी अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी की फ्रेंड, ठीक है। लेकिन रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी ने बोला कि ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा।
अब इसने बताया एक अनएम्प्लॉयमेंट को, इसको इन्होंने यू डिजाइड किया, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट को माना, जो कि आप यहाँ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट स्टार मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हो जाता है। लॉन्ग रन फिलिप्स का आपको बताए थे फ्रेंड्स कि हम ऐसे करते हैं, उसमें एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट माइनस एन आर यू एंड प्लस इन्फ्लेशन इसमें ऐड होती है फ्रेंड्स, ठीक है। जब ऐड कर देते हैं तो लॉन्ग रन के हमारा फिलिप्स कर्व ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप पिछला फिलिप्स कर्व देख लेना, डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। फिर हमने बताया था फ्रेंड कि ये जो रेशनल है ये न्यू क्लासिकल हैं, और इन्होंने बताया कि नो एडजस्टमेंट नॉमिनल वेज रेट और प्राइस में एडजस्टमेंट नहीं होता है। वो ये कहता है कि यहाँ नहीं आएगा, इधर जाएगा या फिर सीधा यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, अभी आपको बताते हैं आपको फ्रेंड। वो कहता है क्यों, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि वर्टिकल है, यानी कि जीडीपी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। अब मैं बताता हूँ, मान चलो फ्रेंड ये जीडीपी हमारा लेवल है, मतलब ये पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा मार्केट प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस पूरी थ्योरी को समझाने से पहले दो बातें मोटा मोटा आपको और बताना चाहता हूँ, याद रखना फ्रेंड्स। वो कहता है इसके पीछे दो रीजन है फुल एम्प्लॉयमेंट, इसके पीछे दो रीजन है। ये थोड़ा सा और डेप्थ में समझ लीजिए फ्रेंड, कि हमने आपको शुरू शुरू में पढ़ाया था कभी भी कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी फ्रेंड, तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब होता है कि मनी सप्लाई बढ़ने से डेल्टा या मनी की ग्रोथ होने से जो मनी की परचेजिंग पावर है क्या हो जाती है फ्रेंड, वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है। जब मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है, और बढ़ता क्यों है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, मनी की वैल्यू कम हो जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। लेकिन जब डिमांड बढ़ती है लेकिन सप्लाई इतनी जल्दी बढ़ती नहीं है, तो क्या होता है, सिर्फ प्राइस ही बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो क्या बढ़ेगा फ्रेंड्स, वेज भी बढ़ेंगे। जब वेज बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो लोग वेज भी बढ़ाने की मांग करेंगे। जब वेज बढ़ेगा तो कितना प्राइस बढ़ेगा, कितना वेज बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आएगी। तो जितना इन्फ्लेशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो वेज बढ़ाने की मांग करेंगे। तो ये बताता है, अब ये एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है कि कितना होगा। इसके लिए हमने बताया था एडॉप्ट एक्सपेक्टेशन, कि मार्केट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का देखता है कि कितना महंगाई बढ़ी हुई है, उस अकॉर्डिंग वेज रेट को बढ़वाने की बात करता है, ट्रेड यूनियन कुछ करता है। फिर अगर वेज रेट बढ़ जाता है तो फिर उसको लगता है कि प्रॉफिट हो, लॉस होना शुरू हो जाता है उसका। तो कहने का मतलब कि ये एडजस्टमेंट तो शॉर्ट रन का है, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग रन में सिर्फ अगर डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है, सिर्फ प्राइस बढ़ता है फ्रेंड्स। क्यों बढ़ता है, इसके पीछे दो रीजन बताते हैं आपको। ये कहता है दो रीजन है, कहता है कि रेशनल है। रेशनल का मतलब होता है करंट अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी। कहने का मतलब है कि एक आदमी रेशनल है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे लेबर हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, सबको इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में नॉलेज है। जैसे मान चलो प्रोड्यूसर की बात करते हैं, उसे पता है कि इन फ्यूचर में इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, फ्यूचर में हमारे गुड्स का रेट बढ़ेगा, तो फिर आज नहीं बेचेगा वो, आज सप्लाई को क्या करेगा, वो कम कर देगा कि उसे फ्यूचर में बेचना है। लेकिन जैसे सप्लाई करेगा मार्केट में कम, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो प्राइस चार महीने बाद बढ़ना था वो आज ही बढ़ गया। या कुछ बिजनेसमैन को लगता है कि इन फ्यूचर में बैंक या गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी में CRR बैंक रेट डाउन करेगी। बैंक रेट डाउन करेगी किस बेस पे सोच रहे हैं, वो लोग मार्केट के ट्रेंड को सोच कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, इन फ्यूचर में हुआ ये कि गवर्नमेंट ने तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, बढ़ाएगा दो महीने बाद, लेकिन उससे पहले मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। क्यों, क्योंकि प्रिडिक्शन है हमारी है,
तो सारे जो सेलर हैं, बायर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सेलर हैं, ये लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करके जो फ्यूचर में एक्शन होना चाहिए वो 2 महीने पहले घटना घटी जाती है। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने की सोचती है पहले, उससे पहले वो लोग सोच लेते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करने जा रही है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। इसे बोलते हैं रेशनल। आदमी विवेकशील है, मतलब यह कहना है कि चाहे जितने भी पीपल है वो विवेकशील है, मतलब है कि वो रेशनल है, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट एडजस्ट करने की बात कर रहा है। जब वो एडजस्ट कर लेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि उसने आपकी पॉलिसी को फेल कर दिया। जो पॉलिसी गवर्नमेंट लाना चाहती है उसके पहले लोगों को आभास हो जाता है, अपने को चेंज कर लेते हैं, यही थ्योरी कहना चाहती है फ्रेंड। तो कहता ही है कि रेशनल एक्सपेक्टेशन अंडर द स्टडी प्रॉब्लम। फिर कहता है वर्कर्स हों या बिजनेसमैन हों या कंज्यूमर हो, लीडर हो, ये लोग क्या करते हैं, दे हैव रेशनल इंफॉर्मेशन, उनके पास रेशनल इंफॉर्मेशन है और इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसी को, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो, उसके अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। बस ये बता रहा था फ्रेंड। फिर बोलता है एक पहला रीजन था, दूसरा रीजन था कि ऑल प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट हाई कॉम्पिटिटेड। दूसरा है उसका बड़ा रीजन ये है कि मार्केट में चाहे लेबर मार्केट हो, चाहे गुड्स मार्केट हो, चाहे मनी मार्केट हो, सारी मार्केट में क्या है, कंपटीशन है। लेबर की डिमांड, लेबर की सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी पर, और प्रोडक्टिविटी कहाँ निकलती है, उसके एफिशिएंसी पर। तो यानी कि अब उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वेज रेट भी बढ़ेगा, वेज रेट बढ़ाने की मांग करेगा, ऐसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यानी कि पूरी मार्केट में एक का दूसरे से टाई अप है, ठीक है। तो वो कहता है कि लेकिन सब परफेक्ट कंपटीशन मान के चलता है कि देयर इज, ठीक है, मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव है, परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, हाईली कंपटीशन है। दूसरा कहते हैं कि वर्टिकल सप्लाई कर्व, ये मानता है तीसरी बात कि वर्टिकल सप्लाई कर्व होता है। ये बोलता है कि सप्लाई कर्व जो है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है। क्यों होता है, वो इसलिए बताता है कि फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, इसके बाद प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, मतलब ये लॉन्ग रन में की बात कर रहा है। तो ये आपका लॉन्ग रन हो गया, लॉन्ग रन में कहता है कि इधर से प्रोडक्टिविटी फुल है, ओके। फिर कहता है नो ट्रेड बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो कहता है कि ट्रेड नहीं होता है, यानी कि वो कहता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कौन सा फिलिप्स कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे। माने चलो फ्रेंड मार्केट में ये, चलो फिलिप कर्व बनाते हैं, ये आपका शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये आपका मान के चलो प्राइस है, आपको एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में 5% है, तो मार्केट 5% है, तो यहाँ पर ये प्राइस 5 है, तो आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पर है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका एग्रीगेट डिमांड्स 2 हो जाएगा जब मार्केट में, अच्छा इसके अकॉर्डिंग आपका ये शॉर्ट रन सप्लाई हो गया, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई हो गया, क्लियर है। लेकिन जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड किसकी वजह से बढ़ेगी, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन ही मॉनेटरी पॉलिसी है या फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी है, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है, कुछ बढ़ रहा है, तो ओवरऑल जो कंजप्शन है या इन्वेस्टमेंट है, जी है, नेट एक्सपोर्ट है, ये क्या सब होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। जब ये बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स मार्केट में प्राइसेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई तो नहीं बढ़ सकती ना। होगा क्या कि यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है यह नहीं जाएगा, सीधे यहाँ जाएगा। क्यों जाएगा इसको, क्योंकि एडजस्ट हो जाएगा, पहले यहाँ से फिर यहाँ एडजस्ट होगा। क्यों एडजस्ट होगा, कि थोड़ा सा तो एक्सपेंशन मार्केट में होगा सप्लाई का, लेकिन क्या होगा कि होगा यह कि गैप आ जाएगा, और इस गैप को बोलते हैं हम फ्रेंड इन्फ्लेशनरी गैप। इससे क्या होगा कि प्राइस और बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ता जा रहा है। अब देखो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, क्योंकि एडजस्टमेंट हो रहा है। फिर अगर डिमांड और बढ़ जाती है फ्रेंड्स, तो बोलते हैं कि प्राइस हमारा और बढ़ जाएगा, ओके, तो ये एडजस्टमेंट और बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन ये है, ये शॉर्ट रन थी पहले, अभी इतनी थी, चलो मान को चलो यहाँ बढ़ गई, फिर दूसरी हो गई। हम बेसिकली क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड्स, कि फर्स्ट पॉइंट्स पे तो आपका ये रहा सप्लाई कर्व, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, लेकिन होगा क्या कि एडजस्टमेंट धीरे धीरे देखेंगे तो ऐसे होता जाएगा, और ये
वर्टिकल लाइन पे आ जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पर माना था, ठीक है, ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होते हैं, तो जब यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ से फ्रेंड्स इसी के सामने लेंगे आप, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर अगेन क्या होगा, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो फाइनली जो फिलिप्स कर्व निकलेगा ये क्या निकलेगा, फिलिप्स कर्व शॉर्ट रन के हैं, ये लॉन्ग रन के हैं। तो आप ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, यानी कि प्राइस 7 हो गया, मान चलो 9 हो गया, ठीक है, ठीक है, ये कहता है कि लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में तो होगा, लेकिन ये लॉन्ग रन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये होता फ्रेंड कि लॉन्ग रन में हमने क्या लिखा कि नो ट्रेड ऑफ, नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई ट्रेड ऑफ नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टेंट है, इसी पॉइंट पे है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको बताए थे फ्लक्चुएशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि रेशनल बींग है, ऑटोमेटिकली मार्केट को पहले सजेस्ट कर रखा है, तो एम्प्लॉयमेंट ना तो घटता है बढ़ता है, उसी लेवल पर रहता है, ठीक है, लॉन्ग रन में वही रहता है, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकला फ्रेंड, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन थ्योरी गवर्नमेंट पॉलिसी जो कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, वेज रेट बढ़ेंगे, बट गवर्नमेंट फेल टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, इंस्टेंट विल ओनली कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा इसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करेगी, कम नहीं कर पाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का जो गवर्नमेंट टास्क होता है फिजिकल पॉलिसी में, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में, प्रोडक्शन मतलब मार्केट में हम मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब होता है कि लॉन्ग रन में मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है, मतलब रिस्क एक्सपेक्टेशन में इस मामले में, क्यों, क्योंकि क्या बढ़ रहा, सिर्फ प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, वेज बढ़ेगा, प्रोडक्शन में चेंज नहीं आएगा। तो फाइनली कैसे हैं कि दर इज रियल वेरिएबल में चेंज नहीं आ रहा, एम्प्लॉयमेंट का एक्चुअल वही है, सिर्फ महंगाई बढ़ गई, वेजेस बढ़ गए, रियल वेज में चेंज नहीं आ रहा, नॉमिनल वेज बढ़ गया, रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, रियल इन्फ्लेशन बढ़ गई, एक्चुअल इन्फ्लेशन वही है। तो कहने का मतलब ये था फ्रेंड कि ये जो थ्योरी है रियल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, और रियल की बात करती है, रेशनलाइजेशन की बात करती है कि जीडीपी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, देयर इज नो चेंज ऑफ द जीडीपी, देयर नो चेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, चेंज इन प्राइस और चेंज इन इन्फ्लेशन। तो बेसिकली ये क्यों होता है, क्योंकि रेशनल बींग है, वो अपने मार्केट में इकोनॉमी में जो भी गवर्नमेंट इफेक्टिव पॉलिसी होती है उससे पहले अपने को एडजस्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग चलता है, इस करके ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स हमें प्रूव करना है कि लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व वर्टिकल हो जाता है, इसके पीछे रेशनल एक्सपेक्टेशन का थाट क्या था और एडॉप्टिव का थाट क्या था। उम्मीद करता हूँ मेरी दोनों वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसके बाद मैं वही बोलूँगा कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.